हेलो पिला माने, आजर ए वीडियो रे आमे केछि इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन नवम श्रेणी साहित्य नै आछु जहा तुमको नवम श्रेणी एसएटू परीक्षा रे निश्चित रूपे 95 शतकड़ा रु अधिक नंबर रखिबार सहाय्य करिवो। पिला माने तुमे जदि एसएटू परीक्षा रे 95 शतकड़ा रु अधिक नंबर रखिबार आशा रखितो ताहाले ए वीडियोटि तुमको निश्चित रूपे सहाय्य करिवो, काहेकि ना एथिरे थिबा प्रति प्रश्न अति गुरुत्वपूर्ण परीक्षा रे निश्चित रूपे आसिबो। ताहाले पिला माने चलो आजि आमे साहित्यर ओडिया साहित्य कथा प्रसंगर किछि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आलोचना करिबा। प्रथम प्रश्न, भारत बर्षर विभिन्न भाषा और साहित्य मध्यरे केउ भाषा अन्यतम? प्राचीन भाषा। प्राचीन भाषा कोटा अन्यतम पिला माने ओडिया भाषा होउछि भारत बर्षर विभिन्न भाषा और साहित्य मध्यरे प्राचीनतम भाषा। नेक्स्ट जीवा प्रश्न नंबर 2 देखिबा, ओडिया लिपिर उद्भव केबे होइथिला? पिला माने उत्तर फटाफट कमेंट बॉक्स रे कमेंट कर देबा जदी जणा आछे। तो ओडिया लिपिर उद्भव केबे होइथिला, बहुत बढ़िया प्रश्न टी, 10म शताब्दी रे होइथिला। तो उद्भव होइथिला 10म शताब्दी रे। नेक्स्ट जीवा, ओडिया भाषा रे प्रथमे सृष्टि किए? ओडिया भाषा रे प्रथम सृष्टि होछि के पिला माने ना लोक साहित्य होछि ओडिया भाषा रे प्रथम सृष्टि। सारला दासंकर बाल्य नाम कौन थिला? बाल्यकालीन नाम कौन थिला? सारला दासंकर बाल्यकालीन नाम थिला सिद्धेश्वर परिडा ना पिला माने। नेक्स्ट जीवा, हरिवंशर लेखक किए थिले? हरिवंशर लेखक थिले अच्युतानंद दास थिले। नेक्स्ट जीवा, चंडीपुराणर कवि किए? चंडीपुराणर कवि होछन्ति के पिला माने ना सारला दास होछन्ति चंडीपुराणर कवि। प्रश्न नंबर 7, जगन्नाथ दासक भागवत केउ छंद्रे लिखित? जगन्नाथ दास भागवत पिला माने नवाक्षर छंद, जेहेतु देखिबा भागवतर प्रति पदर अक्षर संख्या 9 अछि तेणु नवाक्षर छंद बा गुजरी बोली मध्ये कहा जाय थाए। केउं कवि मालिकाकार रूपे विख्यात? मालिका किए रचना करथिले पिला माने ना मालिकाकार होउछन्ति अच्युतानंद होउछन्ति मालिकाकार। केउं पुराण प्रभावरे भागवत टुंगी प्रतिष्ठा करा जायथिला? भागवत टुंगी केउं पुराण पिला माने ना ओडिया भागवतर प्रभावरे भागवत टुंगी प्रतिष्ठा करा जायथिला। किशोर चंद्रानंद चंपूर प्रकृत कवि किए? किशोर चंद्रानंद कविर प्रकृत कवि होंगे किए पिला माने कवि सूर्य बलदेव होंगे कवि सूर्य बलदेव रथ होंगे चंद्रानंद किशोर चंद्रानंद चंपूर प्रकृत कवि। माटीर महाकवि किए? माटीर महाकवि बोली क्या कहुए ना सारला दास को माटीर महाकवि बोली कहुए। जगन्नाथ दास को अति बड़ी उपाधि किए देते? उत्तर पिला माने कमेंट बॉक्स रे कमेंट कर देबा किए देते जगन्नाथ दास को ना श्री चैतन्य देते अति बड़ी उपाधि। लक्ष्मीपुराणर कवि किए? लक्ष्मीपुराण किए लिखिथिले पिला माने ना बलराम दास लक्ष्मीपुराण रचना करथिले। दीनकृष्ण दासकर केउ काव्यटि को आद्य नियमर लिखित? को आद्य नियमर कोटा लिखा हैछि पिला माने ना रसकल्लोलटि को आद्य नियमर लिखा जाइछि। लावण्यवती केउ प्रकार काव्य? लावण्यवती होछि एक काल्पनिक काव्य होछि लावण्यवती। विदग्ध चिंतामणिर कवि किए? विदग्ध चिंतामणि किए रचना करछन्ति पिला माने ना विदग्ध चिंतामणिटि आमर अभिमन्यु सामंत सिंहर रचना करिछन्ति। प्रश्न नंबर 17, वैदेश विलासर कवि किए? वैदेश विलासर कवि किए पिला माने बहुत बढ़िया प्रश्न, वैदेश विलासर कवि होउछन्ति उपेन्द्र भंज। वैदेश विलास केउ आद्य अक्षर नियमर लिखित? वैदेश विलासटि आमर बो आद्य अक्षर नियमर रचना करा जायछि। नेसिबा प्रश्न नंबर 19 देखिबा, प्रश्न नंबर 19 कोन कहिला, एमानक मध्यरु किए रीति जुगर कवि नुहन्ति? ऋतु युगर कवि नुहंती। तो आम देखा तो ये राधानाथ राय उपेन्द्र भंज दीनकृष्ण अभिमन्यु। तो आम देखा भितर ऋतु युगर कवि किए नुहंती? राधानाथ राय होंगे ऋतु युगर कवि नुहंती। चतुर विनोदर स्रष्टा किए? चतुर विनोदर स्रष्टा होती ब्रजनाथ होती चतुर विनोदर स्रष्टा। प्रश्न नंबर 21, मनबोध चौतीसार कवि किए? मनबोध चौतीसा किए रचना करते पाने भक्त चरण मनबोध चौतीसा रचना करते। प्रश्न नंबर 22 देखा, प्रश्न नंबर 22 कहला कौन आमको, सारला दास समय उत्कलर गजपति किए थे? उत्कलर गजपति से पिला माने किए जानते ना कपिलेन्द्र देव थे सारला दास समय गजपति थे। नेक्स्ट जीवा प्रश्न नंबर 23, टीका गोविंद चंद्रर कवि किए? टीका गोविंद चंद्रर कवि होती पिला माने जशवंत होती टीका गोविंद चंद्रर कवि। पिला फटाफट कमेंट बॉक्स रे कमेंट कर दूसरे ना लक्ष्मी पुराणर विशेषत्व कौन अटे? लक्ष्मी पुराणर विशेषत्व लक्ष्मी को पूजा करवा, जगन्नाथ को पूजा करवा, लक्ष्मीनारायण पूजा करवा, जातिभेद उठाइबा। आर विशेषत्व कौन पिला ना जातिभेद उठाइबा होछि लक्ष्मी पुराणर विशेषत्व। प्रश्न नंबर 25 देखा,
ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଢ଼ିଥାଉ କେଉଁ କବିଙ୍କ ଲେଖା ଅଟେ? ଏଇ କବିତାଟି କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଢ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ, ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ ଲେଖିଥିଲେ। ଯିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 26। ସାଲବେକ ନିଜକୁ କେଉଁ ଜାତିର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ସାଲବେକ ନିଜକୁ ଯବନ ଜାତିର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 27 ତଥା ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗର ନାରୀ କବି କିଏ ଅଟନ୍ତି? ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗର ନାରୀ କବି ପିଲାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବତୀ ଦାସୀ, ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଚୀନ କବି, ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗର ନାରୀ କବି। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ 27 ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଆଲୋଚନା କଲେ। ତୁମ ଏ ଭିତରୁ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜଣାଥିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିଦେବା, ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ ଟିକେ କରିଦେବା। ଏଭଳି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଆମେ ତୁମ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବୁ। SA2 ପରୀକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଦିନ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେଠାରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ। ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ପରୀକ୍ଷାରେ 95% ଅଧିକ ନମ୍ବର ଆଣିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।